रिकार्जन के इजी प्रॉब्लम रिकार्जन क्या होती है मेमोरी में कैसे काम करती है स्टैक ओवरफ्लो प्रॉब्लम क्या होती है उसके बाद आएंगी रिकार्जन की दो वीडियो रिकार्जन की इंटरमीडिएट प्रॉब्लम एंड हार्ड या एडवांस लेवल प्रॉब्लम के साथ सो so, दिस इज रिकार्जन क्लास वन अब सबसे पहले शुरू करते हैं रिकर्जन को रिकर्जन को समझने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होने चाहिए इनमें से सबसे पहले कॉन्सेप्ट है आइटरेशन यानी जावा के अंदर लूप्स किस तरीके से काम करते हैं आइटेरेशन किस तरीके से काम करता है और दूसरा कॉन्सेप्ट है फंक्शंस फंक्शंस के अंदर रिटर्न टाइप क्या होता है पैरामीटर्स क्या होते हैं ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए और अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता हैं तो हम रिकर्जन को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं अब रिकर्जन की अगर बात करें तो रिकर्जन और आइटरेशन भाई भाई है इसका क्या मतलब है जो सारे काम आइटरेशन को यूज करके हो सकते हैं वो सारे के सारे काम रिकर्जन को यूज करके हो सकते हैं रिकर्जन आइटरेशन को ही रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है कुछ केसेस में आइटरेशन से जो कोड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसलिए वहां पर रिकर्जन यूज करते हैं कुछ केसेस में रिकर्जन से कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसीलिए वहां पर आइटरेशन यूज करते हैं तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि जो क्वेश्चन आइटरेशन के हैं वो उसी के हैं रिकर्जन के हैं वो उसी के हैं बट क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि वहां पर रिकर्जन ज्यादा अच्छे से काम करेगा या आइटरेशन ज्यादा अच्छे से काम करेगा अब रिकर्जन के यूजेस क्या क्या हैं हम सॉर्टिंग नाम की एक चीज पढ़ते हैं जावा के अंदर जिसमें से डेटा जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है अब जब हम जोमैटो की ऐप चला रहे होते हैं तो उसमें हम सॉर्ट कर सकते हैं कि फाइव स्टार रेटिंग वाले रेस्टोरेंट सबसे ऊपर आ जाएं फोर स्टार वाले उसके नीचे थ्री स्टार वाले उसके नीचे तो इस तरीके की जो सॉर्टिंग की अलगोरिदम्स होती हैं उनमें से बहुत सारी अलगोरिदम्स रिकर्जन को यूज करती हैं उसके साथ साथ ट्रीज ग्राफ्स ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स है जिनको हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे और इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे फंक्शंस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर रिकर्जन यूज़ होती है उन्हीं चीज़ों को हम आइटरेशन से करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी पर रिकर्जन से उनका कोड जो है वो दो तीन लाइनों का हो जाता है तो इतने सिंपल कोड को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होती है इसीलिए हम इन डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर रिकर्जन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं अब रिकर्जन का अगर बेसिक मतलब समझे तो रिकर्जन मैथ्स के कॉन्सेप्ट से हम थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करेंगे मैथ्स के अंदर हमने पढ़ा था कि फंक्शन को हम कुछ ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमने एक फंक्शन मान लिया जो हमें गिवन है अब हमें अगर एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है तो वो होगा एफ ऑफ एक्स स्क् राइट अब हम इस स्टेटमेंट को अगर ऑब्जर्व करें तो ये स्टेटमेंट अपने आप में रिकर्जन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे रिकर्जन का मतलब है अ फंक्शन दैट कॉल्स इट एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल लगाए वो एक रिकर्जिव फंक्शन है वो रिकर्जन क्रिएट करता है इस स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है एक फंक्शन है f जो खुद ही को कॉल लगा रहा है उस इनर कॉल के अंदर वो x को पास कर रहा है और फिर ये इनर कॉल अपनी कोई वैल्यू को कैलकुलेट करके अपने आउटर फंक्शन को रिटर्न करती है ये सिंपल आसान भाषा में वो है जो रिकर्जन होता है यानी एक फंक्शन अपने इनर फंक्शन को कॉल लगाता है उसमें कोई वैल्यू पास करता है जैसे हमने एक्स पास की वो इनर फंक्शन पहले उस एक्स के हिसाब से एक वैल्यू कैलकुलेट करता है और वो वैल्यू कैलकुलेट करके अपने आउटर फंक्शन को दे देता है अब जैसे अगर एक्स की वैल्यू को हम दो अज्यूम करें तो एफ एक्स हमारे लिए होगा टू का यानी फोर और एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे एफ ऑफ पहले एफ एक्स की वैल्यू यानी फोर को इसके अंदर रख देंगे अब एफ ऑफ फोर यानी फोर का स्क्वायर दैट इज सिक्स तो कुछ इसी तरीके से जावा के अंदर भी रिकर्जन को यूज करके हम फंक्शन की हेल्प से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अब इसमें छोटा सा एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं वो पॉइंट ये है कि एफ जो है वो एक स्टेप लेता है मतलब बाहर वाला जो आउटर फंक्शन है वो कोई एक स्टेप लेता है कुछ कैलकुलेट करता है और वो एक चीज करके एक स्टेप लेके अज्यूम करता है कि इनर फंक्शन बाकी के सारे काम कर देगा तो इस फंक्शन ने क्या स्टेप लिया इस फंक्शन ने ये स्टेप लिया कि अंदर वाले फंक्शन से जो भी वैल्यू आएगी मुझे उसका स्क्वायर कर देना है और इसने अज्यूम किया कि अंदर वाला जो फंक्शन है वो सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट करके हमें दे देगा तो अंदर वाले फंक्शन ने अपनी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू टू के हिसाब से सारी वैल्यू जो कैलकुलेट करके देनी थी यानी फोर जो देना था उसने दे दिया आउटर फंक्शन को और आउटर फंक्शन ने एक स्टेप लिया जो था उस फोर को सिक्सटीन में कन्वर्ट करना कुछ यही कॉन्सेप्ट है जिसमें जो आउटर फंक्शन है वो तो कुछ स्टेप्स ले रहा होता है रिकर्जन में और वो अज्यूम करता है कि इनर फंक्शन रेस्ट ऑफ द वर्क कर देगा यानी बाकी के काम कर देगा ये दो चीज हमें ध्यान रखनी है जिनको यूज करके हम सारे के सारे क्वेस्स में रिकर्जन को एनालाइज कर रहे होंगे कि आउटर फंक्शन कुछ काम करने का सोचता है थोड़े से कुछ स्टेप्स लेता है और अज्यूम करता है कि इनर फंक्शन जो मोस्ट ऑफ द वर्क है वो कर रहा होगा वो काम करने के बाद वो हमें कुछ आउटपुट दे देगा उसके साथ हम कुछ कर देंगे अपना फाइनल आउटपुट निकाल लेंगे और इसी तरीके से रिकर्जन हमारा काम करता है अब इसको थोड़ा सा और इंट्यूटिव बनाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे ये डायग्राम देखना बिल्कुल ऑप्शनल है जिन लोगों को हेल्प मिले वो कंसिडर कर सकते हैं इस डायग्राम को देखना नॉर्मल जब भी फंक्शन कॉल होती है जावा के अंदर तो उस फंक्शन कॉल के अंदर क्या होता है हमारा एक मेन फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को कॉल लगाता है ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करके मेन फंक्शन को दे देता है तो ये हमारा बेसिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट था अब रिकर्जन में इसी डायग्राम के साथ क्या होगा मेन फंक्शन एक फंक्शन को कॉल तो लगाएगा पर यही फंक्शन अब रिकर्सिव फंक्शन है तो ये फंक्शन खुद ही को दोबारा कॉल लगाएगा फिर से दोबारा खुद ही को कॉल लगाएगा फिर से दोबारा खुद ही को कॉल लगाएगा और इस तरीके से कॉल्स लगाता रहेगा खुद ही को जब तक एक कंडीशन रीच नहीं हो जाती ये कंडीशन हम खुद डिफाइन करते हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं बेस कंडीशन या बेस केस ये कॉल्स तब तक लगती रहेंगी जब तक बेस केस नहीं रीच हो जाता जैसे ही बेस केस रीच हुआ अब कॉल से हम वापस आना शुरू कर देंगे जैसे फंक्शन से हम मेन फंक्शन में वापस आ जाते थे वैसे ही रिकर्जन में हम अब कॉल से वापस आ जाएंगे फाइनली अपने मेन फंक्शन पर एंड हर स्टेप पर हम कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे अगर वॉइड है तो सिर्फ कंट्रोल रिटर्न कर रहे होंगे नहीं तो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा रिकर्जन काम करता है जावा के अंदर अब एक क्वेश्चन के लिए कोड लिखेंगे उस कोड को पहले एग्जीक्यूट करेंगे फिर उसको देखेंगे कि मेमोरी में क्या क्या हुआ उस कोड की हेल्प से तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि हमें प्रिंट करने हैं नंबर्स फ्रॉम फाइव टू वन अब आइटरेशन यानी लूप्स यूज करते तो बहुत आसान होता है एक फॉर लूप लगाते इंट आई इज इक्वल टू फाइव फिर जब तक ग्रेटर देन जीरो है कंडीशन तब तक हम उसे प्रिंट कर देते एक बार लिख भी लेते हैं आइटरेशन को फॉर इंट आई इज इक्ल टू फाइव जब तक i ग्रेटर देन जीरो है i माइनस माइनस हम क्या करेंगे प्रिंट करवा देंगे या प्रिंट की जगह हम यहाँ लिख लेते हैं ई एस ओ क्योंकि हम कोड करेंगे वीएस कोड के ऊपर वी एस कोड में एस वाई एस ओ लिख कर आप टैब दबा देते हैं तो एक शॉर्टकट होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखने का तो उसे लिखने के लिए सिसो यूज कर लेते हैं यहां पर लिख देते हैं आई तो कुछ इस तरीके से हमारा आइटरेशन में कोड चल रहा होगा अब इसी कोड को रिकर्सिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो रिकार्जन के लिए बनाएंगे एक फंक्शन क्योंकि रिकार्जन फंक्शंस में होती है उसके लिए जावा के फंक्शन का सिंटैक्स लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक इस फंक्शन का रिटर्न टाइप हम रखेंगे वॉइड क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाहते सिर्फ कंट्रोल रिटर्न करवाना चाहते हैं और इसे नाम हम दे देते हैं प्रिंट नंबर्स प्रिंट नंबर्स नाम दिया इसके अंदर एक पैरामीटर रखेंगे इंट एन इंट एन रिप्रेजेंट करता है उस नंबर को जिसे हमने प्रिंट करना है तो यहां पर आई वो काम कर रहा था उस वैल्यू को स्टोर करने का जिसे हमें प्रिंट करना है यहाँ पे हमारा वेरिएबल एन उस काम को करेगा और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या होता था मैथ्स में कि आउटर फंक्शन एक स्टेप लेता था और फिर इनर फंक्शन को कॉल लगा लेता था तो यहां पर प्रिंट नंबर्स में वही स्टेप ये होगा कि हमारे पास जो वैल्यू एन आई है उसको पहले हम प्रिंट करवा दें और अज्यूम करें कि n 1 और उससे पहले वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो इनर फंक्शन हमें लाकर दे देगा या उनको सबको प्रिंट कर देगा उसको कोड में कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे सिसो यानी प्रिंट n हमने n प्रिंट करवा दिया अपनी तरफ से एक स्टेप हमने ले लिया अब हम कॉल कर देंगे खुद ही को यानी इनर फंक्शन को खुद को कॉल लगाई विद n 1 और हमने अज्यूम किया कि फाइव अगर प्रिंट हुआ है यहां पर तो फोर थ्री टू वन सारे के सारे नंबर स्टेटमेंट में हम प्रिंट कर रहे होंगे हमें इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं हमें नहीं सोचना कि फोर कैसे प्रिंट होगा थ्री कैसे प्रिंट होगा टू कैसे प्रिंट होगा वन कैसे प्रिंट होगा हमें सिंपली एक कॉल लगा देनी है जिसमें जैसे हमें फाइव मिला था वैसे हम फोर पास कर देंगे और अज्यूम करेंगे कि फोर और उससे पहले वाले सारे प्रिंट हो जाएंगे और यहां पर बेस कंडीशन क्या रखेंगे यानी ये जो कॉल्स है ये कब तक चलती रही जब तक हम जीरो पर रीच नहीं कर जाते जैसे ही एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी उसके बाद हमें कुछ प्रिंट नहीं करना उसके बाद सिंपली वहां से हमें रिटर्न कर जाना है तो स्टेटमेंट को लिखेंगे ऐसे कि इफ एन इज इक्वल टू इज इक्वल टू जीरो वो हम पहले ही चेक कर लेंगे अपने फंक्शन के अंदर तो वहां से आप कर जाइए रिटर्न यानी यहां से कोई काम नहीं हो रहा एंड जीरो रीच कर गया तो कुछ प्रिंट नहीं होगा ना ही हम खुद को कॉल करेंगे तो ये हो गया हमारा बेस केस यहां हमने किया प्रिंट और यहां हमने किया रिकार्जन रिकार्जन यानी खुद को कॉल लगाई अब इसी कोड को एक बार रन करके देखेंगे आउटपुट एनालाइज करेंगे फिर देखेंगे कि मेमोरी में क्या क्या हुआ और एक्चुअल आउटपुट हमारे पास आएगा कैसे तो हमने वी एस कोड एडिटर यूज किया है वी एस कोड के अंदर हमने एक रिकर्जन वन नाम की क्लास क्रिएट की है फाइल का नाम भी सेव रखा है हमने जावा के अंदर और उसके अंदर हमने एक पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन नाम का फंक्शन बना रखा है इस मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम अपने इंटीजर n को कर लेंगे डिफाइन इसकी वैल्यू को स्टार्ट करेंगे फाइव के साथ अब अपना एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड और फंक्शन का नाम रखेंगे प्रिंट नंबर्स तो प्रिंट नंब इसमें पास किया हमने एक पैरामीटर एन सबसे पहले क्या किया था हमने सबसे पहले अपना एक स्टेप लिया था यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एन उसके बाद खुद को कॉल लगाई थी प्रिंट नंब को कौन सी वैल्यू के साथ एन माइनस वन के साथ अब ये एन माइनस वन यहां पर पास करना है एन नहीं पास करना एन माइनस टू नहीं पास करना ये इंट्यूशन कैसे बिल्ड हुआ तो हमें पता है कि हम फाइव से फोर जा रहे हैं फोर से थ्री जा रहे हैं तो एक तरीके से हम सोच पा रहे हैं कि हमारी वैल्यू डिक्रीज बाय हो रही है हर स्टेप पे तो वही सेम चीज वही सेम इंट्यूशन हमें अपने रिकर्जन में अप्लाई करना है हम समझ पा रहे हैं डिक्रीज बाय करना है तो हम अगली कॉल में भी डिक्रीज बाय वन कर दें फाइव तो हमने प्रिंट कर ही लिया अपना काम हमने कर दिया अब हमें काम करवाना है फोर और उससे कम वाली वैल्यूज के लिए तो उसके लिए डिक्रीज बाय वन हमें करना पड़ेगा इसीलिए पास किया एन माइनस वन बेस केस ऊपर लिखेंगे इफ एन इज इक्वल टू जीरो तो उस केस में हम कर जाएंगे रिटर्न एंड मेन फंक्शन से ही इसी फंक्शन को कॉल लगा लेंगे यानी प्रिंट नंबर जिसमें पास करेंगे एन विद एन की वैल्यू फाइव तो अब अगर इसको सेव करके हम रन करें तो ये हमारे लिए आउटपुट आया है विच इज फाइव फोर थ्री टू वन अब इस कोड को एक बार एनालाइज करते हैं जब भी रिकर्जन हो रही होती है मेमोरी के अंदर तो सारे के सारी फंक्शन कॉल्स जो होती हैं वो स्टैक्स की फॉर्म में सेव्ड होती है स्टैक्स यानी स्टैक्स जावा के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जैसे हम बुक्स के ऊपर अगर बुक्स रख दें या फिर प्लेट्स के ऊपर अगर प्लेट्स रख दें तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको हम स्टैक स्ट्रक्चर कहेंगे जब भी मेमोरी के अंदर कॉल्स होती हैं रिकर्जिव कॉल्स तो वो स्टैक की फॉर्म में होती हैं इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं जब मेन फंक्शन ने इस रिकार्ड फंक्शन प्रिंट नंबर को कॉल किया होगा तो सबसे पहले तो स्टैक में क्या हुआ होगा मेन फंक्शन की कॉल आई होगी मेन फंक्शन में एन इज इक्वल टू फाइव बना होगा मेन फंक्शन ने कॉल लगाई प्रिंट नंबर्स को तो यहां पर एक और स्टैक में लेयर बन गई प्रिंट नंबर्स की प्रिंट नंबर्स को कॉल लगाई गई प्रिंट नंबर्स के बाद Numbers के पास N is equal to 5 आया था। पहली बार में ने ने को को किया। किया? क्या वो करके उसने करवा करवा दिया। 5 print कर दिया। और एन माइनस वन यानी टू फोर के लिए कॉल लगा दी प्रिंट नंबर्स को और वो कॉल कैसे लगी वो कॉल इसके ऊपर एक और नई लेयर बन गई प्रिंट नंबर्स की ही जहां पर अब एन इज इकल टू फोर यानी क्या हुआ सबसे पहले एन इज इकल टू फाइव के लिए कंट्रोल जो है वो यहाँ पर था फिर एन जीरो नहीं था तो बेस केस को हमने स्किप कर दिया उसके बाद प्रिंट कर दिया हमने फाइव और कॉल लगा दी रिकर्सिव कॉल एन इज एक टू फोर के लिए ठीक है अब ये लेयर जो है वो क्रिएट हो गई है स्टैक के अंदर मेमोरी के अंदर अब एन की वैल्यू हो गई है फोर एन की वैल्यू जब फोर हुई तो यहाँ पर बेस केस हमने चेक किया बेस केस ट्रू नहीं है उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया एन इज इक्वल टू फोर को तो प्रिंट कर दिया तो यहाँ पर प्रिंट करवा देते एन इज इक्वल टू फोर को प्रिंट कर दिया उसके बाद कॉल कर दिया हमने प्रिंट नंबर्स फॉर एन इज इक्वल टू थ्री तो यहां पर जैसे ही कॉल किया एक नई लेयर फॉर्म हो गई नई लेयर फॉर्म हुई तो प्रिंट नंबर्स एन इज इक्वल टू थ्री की एक लेयर फॉर्म हुई उस लेयर में भी हमने पहले चेक किया बेस केस को वो ट्रू नहीं है फिर हमने प्रिंट कर दिया थ्री को तो थ्री को हम प्रिंट कर देते हैं उसके बाद हम कॉल लगा लेंगे प्रिंट नंबर्स को ही फॉर एन इज इक्वल टू टू मतलब थ्री से अब एन माइनस वन पर आ गए मतलब टू पर आ गए टू पर जैसे ही आए मतलब नई कॉल लगाई तो एक और लेयर बन गई एक और लेयर बनी प्रिंट नंबर्स की प्रिंट नंबर्स की लेयर बनी जिसमें एन इज इकोल टू टू है एन इज इकोल टू टू के लिए हमने फिर से बेस केस को एनालाइज किया जो कि ट्रू नहीं है फिर हमने प्रिंट कर दिया टू को टू को हम प्रिंट कर देते हैं टू को प्रिंट करने के बाद हमने रिकर्सिव कॉल लगाई अब एन माइनस वन यानी टू माइनस वन इज इक्वल टू वन के लिए जैसे ही कॉल लगाई एक और लेयर बन गई जिसमें प्रिंट नंबर्स को कॉल किया गया था और एन इज इक्वल टू वन के लिए कॉल गई थी एन इज इक्वल टू वन के लिए हम दोबारा देखेंगे कि क्या हमारी बेस केस ट्रू है क्या हमारी बेस कंडीशन ट्रू है वो ट्रू नहीं है इसीलिए हम फिर से प्रिंट कर देंगे एन इज इक्वल टू वन तो प्रिंट कर दिया तो यहां पर लिख देते हैं उसे कि एन इज इक्वल टू वन के लिए वन हमने प्रिंट कर दिया अब एन इज इक्वल टू वन वाले लेवल ने फिर से कॉल लगाई एन इज इक्वल टू जीरो को एन इज इक्वल टू जीरो को जैसे ही कॉल लगी यानी प्रिंट नंबर की एक और लेयर बनी जिसमें एन इज इक्वल टू जीरो है फिर से हमने बेस केस को चेक किया बेस कंडीशन को चेक किया जैसे ही बेस कंडीशन को चेक किया एन इज इक्वल टू जीरो के लिए बेस केस ट्रू हो गया जैसे ही बेस केस ट्रू हुआ बेस केस के अंदर लिखा हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट तो क्या हुआ हम रिटर्न कर गए यानी अभी वाली लेयर हम डिलीट कर देंगे और रिटर्न कर जाएंगे पुरानी लेयर पर तो क्या हुआ इस लेयर को हमने हटा दिया और वापस आ गए हम अपनी पिछली लेयर पर और इस केस में जीरो प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि जीरो प्रिंट होने से पहले हमने बेस केस की कंडीशन को ट्रू कर लिया और वहीं से ही हम रिटर्न मार गए अब यहां से हम वापस गए तो वापस आने के बाद हम पहुंचे होंगे इस स्टेटमेंट पर यानी प्रिंट से हमने कॉल लगाई थी जीरो से गिरकर कंट्रोल गिरकर वापस ऐसी स्टेटमेंट पर आया होगा इसके बाद क्या कोई और स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसे हमें करने की जरूरत है नहीं हमें सिंपली अब फिर से रिटर्न कर जाना है तो यहां से भी अब ये लेवल हटकर हम एक लेवल और नीचे आ जाएंगे एक लेवल और नीचे आए तो स्टैक के अंदर अभी क्या था स्टैक के अंदर हम पिछले फंक्शन की यानी एन इज इक्वल टू टू की इस स्टेटमेंट पर हमने एन इज इक्वल टू वन को कॉल लगाई थी यानी यहां पर हमारा एन इज इक्वल टू टू था और जब ऊपर एक कॉल लगी थी तो उसमें एन इज इक्वल टू वन पास हुआ था अब वहां से वापस अगर हम आए हैं तो हम गिरे हैं वापस इसी स्टेटमेंट पर आकर इसके बाद कोई और स्टेटमेंट नहीं है तो अब हमें कर जाना है रिटर्न रिटर्न करेंगे तो फिर क्या होगा ये वाले लेवल को भी हम क्रॉस आउट करके एक लेवल नीचे आ जाएंगे सिमिलरली हम हर लेवल को क्रॉस आउट करके एक लेवल नीचे आ जाएंगे फाइनली मेन फंक्शन के अंदर पहुंच जाएंगे और फंक्शन कॉल्स के अंदर जाते जाते यानी स्टैक पर चढ़ते चढ़ते हमने फाइव फोर थ्री टू वन को प्रिंट किया और स्टैक से वापस आते आते हमने कोई काम नहीं किया स्टैक से वापस आते आते हमने नॉर्मली बस कंट्रोल को रिटर्न किया उस कंट्रोल को रिटर्न करते करते हम मेन फंक्शन तक पहुंच गए अब मेमोरी में जब भी एक नया स्टैक का लेयर बनता है तो उस लेयर के अंदर फंक्शन के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं इस फंक्शन के अंदर सिर्फ सिंगल पैरामीटर है N. जो कि है ये एन अब जितने भी पैरामीटर होते हैं फंक्शन के अंदर वो उन सब की एक नई मेमोरी स्पेस क्रिएट होती है जैसे कि अगर मेन फंक्शन का एग्जाम्पल लें अगर मेन फंक्शन के अंदर हमने इंट एक्स कुछ डिफाइन किया है उसकी एक वैल्यू होगी अगर हम एक्स को अपडेट करके कोई और नई वैल्यू देंगे तो वो चेंज इसी के अंदर होगा लेकिन जब हम स्टैक की बात करते हैं मेमोरी स्टैक की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर सेम फंक्शन बार 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 डिक्लेयर हो रहा है यानी प्रिंट 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 नंबर्स बार बार कॉल हो रहा है तो उसके अंदर एंड नाम का वेरिएबल मेमोरी में बार बार बनेगा इसीलिए रिकर्जन जब भी होती है तो मेमोरी में बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होती है क्योंकि रिकर्जन में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी बार 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 क्रिएट होती है मेमोरी के अंदर नॉर्मल आइटरेशन की तरह हम सेम वेरिएबल यूज नहीं करते सारे के सारे रिकर्जन लेवल्स पर जो एन यूज हुआ है उसके लिए अलग से एक मेमरी स्पेस बनी है इसीलिए आइटरेशन से अगर हम कोई एन डिफाइन करते उसमें एक इंटीजर लगता लेकिन रिकर्जन से हमने जो एंड डिफाइन किया है उसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन इंटीजर्स एक पॉइंट पर एक साथ क्रिएट हुए हैं इसीलिए रिकर्जन अगर इनफाइनाइटली चलता जाए मतलब हम कोई बेस केस कोई बेस कंडीशन ना रखें अगर अपने फंक्शन के अंदर तो फिर क्या होगा एक पॉइंट के बाद हमारी मेमोरी भर जाएगी और स्टैक ओवरफ्लो यानी हमारे जो स्टैक है वो ओवरफ्लो कर गया है अब उसमें और कोई मेमोरी नहीं बची है स्टैक ओवरफ्लो नाम की एक प्रॉब्लम आ जाएगी जैसे ही स्टैक ओवरफ्लो आएगा एरर आ जाएगा कोड के अंदर कोड उससे आगे नहीं चल सकता इनफाइनाइटली अगर आपका रिकर्जन चलता रहता है तो एक पॉइंट के बाद मेमोरी में आपकी आ जाएगा स्टैक ओवरफ्लो जिसकी वजह से एरर आ जाएगी इसीलिए हमें इंश्योर करना है कि रिकर्जन कहीं ना कहीं जाकर एंड कर रही हो कहीं ना कहीं उसको बेस केस या बेस कंडीशन मिल रही हो तो कुछ इस तरीके से रिकर्जन मेमोरी में काम करता है एंड मेमोरी में कुछ फंक्शनिंग जो होती है उससे हम समझ सकते हैं कि रिकर्जन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे पास आगे आती है। अब solve करते हैं। हैं अब करते एक और question. Question ये है कि अब हमें print करने है numbers from 1 to 5. अब हमें हमें करने पता है पहले हमने प्रिंट किए थे नंबर्स फ्रॉम फाइव टू वन अब प्रिंट करेंगे from 1 to 5. तो इसमें कुछ नहीं करना नॉर्मल सा वही फंक्शन हमें क्रिएट करना है जिसमें इंटीजर ले, ले लेंगे एन चेंज क्या होगा चेंज होगा बेस केस पहले हम फाइव से लेकर वन तक जा रहे थे अब हम जाएंगे वन से लेकर फाइव तक तो मेन फंक्शन से जो वैल्यू निकलेगी एन की वो होगी वन एंड बेस केस हमारे लिए होगा सिक्स तो जैसे ही हम सिक्स पर रीच कर जाएंगे हम कर देंगे वहां से रिटर्न यानी फाइव तक वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे सिक्स तक रीच करके वहां से कर जाएंगे रिटर्न और मेन से पास करेंगे हम वन की वैल्यू को तो इसके लिए कोड लिखकर समझते हैं हमने पहले जो कोड लिखा था उसी के अंदर थोड़ा बहुत हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं क्या करेंगे मेन फंक्शन से हम एन की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे विद वन तो सबसे पहले हमने वन पास किया प्रिंट नंबर्स को प्रिंट नंबर्स के अंदर सबसे पहले तो हम अपने नंबर एन को प्रिंट करवा देंगे उसके बाद प्रिंट नंबर्स कॉल करेंगे एन प्लस के लिए अब ये प्लस वाला इंट्यूशन वैसे ही आया जैसे माइनस वाला आया था पहले वैल्यू डिक्रीज बाय वन कर रही थी इस क्वेश्चन में वैल्यू इंक्रीज बाय वन कर रही है तो अगला जब हम हमें रुकना वहां है जहां एन की वैल्यू सिक्स हो जाए सिक्स हो गई फाइव तक प्रिंट कर दिया अब कुछ प्रिंट नहीं करना तो बेस केस में हम एन इज इक्वल टू इज इक्वल टू सिक्स पर अगर पहुंच जाए तो वहां से कर जाएंगे रिटर्न एंड रिटर्न होकर वापस गिरते गिरते स्टैक से गिरते 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 हम आ जाएंगे अपने मेन फंक्शन में इसे सेव करके रन करते हैं एंड आउटपुट को देखते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आया दैट इज द डिजायरेबल आउटपुट यानी वन टू थ्री फोर फाइव तो सीक्वेंस वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो हमारे लिए प्रिंट हो गए इसका भी एक बार मेमोरी स्टैक हम बनाकर देख लेते हैं थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं जल्दी से सबसे पहले क्या हुआ मेमोरी के अंदर हमारे पास बना एक मेन फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर एन इज इक्ल टू वन था मेन फंक्शन ने क्या किया प्रिंट नंबर्स को कॉल लगाई प्रिंट नंबर्स को मेन फंक्शन ने जैसे ही कॉल लगाई तो प्रिंट नंबर्स की अपनी एक लेयर बन गई स्टैक के ऊपर सैक के ऊपर एक लेयर क्रिएट हुई प्रिंट नंबर्स की जिसमें एन इज टू वन आया अब यहाँ पर हमने वन को प्रिंट करवा दिया इसने एक और कॉल लगाई कॉल लगाई दोबारा प्रिंट नंबर्स एन इज ईक्ल टू टू के लिए यानी प्लस वन के लिए तो वहां पर टू हमने प्रिंट करवा दिया फिर से एक और कॉल लगाई फिर से प्रिंट नंबर्स में एन इज ईक्ल टू थ्री हमने पास किया थ्री को प्रिंट करवाया फिर से एक और कॉल लगाई प्रिंट नंबर्स फॉर एन इज ईक्ल टू फोर फोर को हमने प्रिंट करवाया एंड नेक्स्ट कॉल लगाई हमने प्रिंट नंबर्स एन इज टू फाइव के लिए फाइव को हमने प्रिंट करवा दिया एंड फाइनली लास्ट कॉल लगाई हमने प्रिंट नंबर टू सिक्स के लिए सिक्स पर जब हम आए तो बेस केस को हम रीच कर गए इसीलिए वहां पर कुछ प्रिंट नहीं किया डायरेक्टली हम कर गए रिटर्न तो रिटर्न होकर वापस आए ये क्लियर हो गया मतलब स्टैक से मेमोरी से हट गया वापस आए वापस आकर कुछ नहीं करना दोबारा इसे क्लियर कर देंगे नेक्स्ट लेवल क्लियर कर देंगे नेक्स्ट लेवल

एन नंबर्स का हम सम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैथ्स में क्या होता था वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर टिल एन ऐसा कुछ होता था हमारा सम अब इसके लिए एक स्मॉल फॉर्मूला भी होता था एन इन टू एन प्लस वन बाई टू पर हम अभी इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक डायरेक्ट फॉर्मूला है हम रिकार्जन की हेल्प से इसे सॉल्व करने वाले हैं रिकार्जन में हमें दिख पा रहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो हम वन से शुरू कर सकते हैं या फिर एन से शुरू कर सकते हैं अभी हमने दोनों तरीके देखे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने के और असेंडिंग ऑर्डर में जाने के तो हम अपना ऑर्डर खुद से चूज कर सकते हैं हम चाहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएं यानी वन से लेकर एन तक हम जाएंगे वन से लेकर एन तक हम जाएंगे जाते जाते हम सम को कैलकुलेट करेंगे फाइनली बेस केस क्या होगा हम कब रुके जब हम एन पर रीच कर गए एन पर रीच कर गए यानी एन को हमने सम में एड कर लिया और वहां पर फाइनली अपने सम की हम वैल्यू प्रिंट करवा देंगे यानी वन से लेकर एन तक ट्रैवल करेंगे पर और वहां से कर जाएंगे अब थोड़ा सा और इसका इंट्यूशन देखते हमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है रिकर्जन करते टाइम सबसे पहला फंक्शन से क्या पास करें तो हमें पता है मेन फंक्शन से हमें पास करना है वन दूसरा ये बेस कंडीशन क्या रखें बेस कंडीशन हमें पता है कि हमें तब रुकना है जब वन से इंक्रीज होते होते हम एन तक पहुंच जाएं और एन तक पहुंच कर क्या काम करें अपने सम को हम प्रिंट करवा दें तो सम को हम प्रिंट करवा देंगे तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि काम क्या करें या वर्क डन हम क्या काम करने वाले हैं काम हम इस बार प्रिंट का नहीं करने वाले काम हम करने वाले हैं सम कैलकुलेट करने का क्योंकि क्वेश्चन में दिया है प्रिंट तो करना है पर क्या करना है सम इस सम को कैलकुलेट करने का काम सबसे मेजर काम है पहले वाले क्वेश्चंस में हमें प्रिंट करना था अब हमें सम कैलकुलेट करना है तो काम हमारा होने वाला है टू कैलकुलेट सम अब थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इंट्यूशन हमारा बिल्ड होना शुरू होगा जब हम ये तीनों चीजें समझ लेंगे कि मेन फंक्शन से क्या पास करें इनिशियल पैरामीटर्स बेस कंडीशन क्या रखें काम हमें क्या करना है प्रिंट करना है सम कैलकुलेट करना है मल्टीप्लिकेशन करना है कुछ और करना है क्या करना है अब हम सबसे पहले इसके लिए इन तीन चीजों को यूज करके कोड लिखते हैं और फिर उस कोड को एनालाइज करेंगे कि चीजें हुई कैसे अब सबसे पहले हम बनाएंगे अपना एक फंक्शन िंट सम प्रिंट सम के अंदर हम तीन पैरामीटर रखेंगे सबसे पहला पैरामीटर हमें बताएगा कि हम कौन से नंबर पर हैं हम वन पर हैं टू पर हैं थ्री पर हैं सेकेंड पैरामीटर हमें बताएगा कि हमारी बेस कंडीशन क्या होने वाली है यानी फाइनल वैल्यू एंड की क्या होगी थर्ड पैरामीटर हमें बताएगा कि हमारा सम क्या होने वाला है मतलब जो भी हम हर लेवल पर सम कैलकुलेट करेंगे उसकी फाइनल वैल्यू जब भी हम प्रिंट कर रहे होंगे तो हमें उसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा तो उसे हम भी पैरामीटर्स की फॉर्म में स्टोर करेंगे अब रिकर्जन के अंदर पैरामीटर्स हम उन वेरिएबल्स को लेते हैं जिनकी वैल्यू लेवल के साथ चेंज हो रही है तो लेवल के साथ वैल्यू चेंज होगी तो हम उसे अगले लेवल पर पास कर पाएंगे इसीलिए तीन पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं इंट आई इंट एन इंट सम सबसे पहले प्रिंट सम के अंदर हम करेंगे अपना स्टेप कंप्लीट जो हमने शुरुआत में बात की थी या फिर करेंगे अपना काम हमारा काम क्या है सम कैलकुलेशन तो सम में हम क्या करने वाले ऐड करने वाले हैं आई की वैल्यू को आई शुरुआत में वन था और अब इंक्रीज होते होते एन तक जा रहे हैं तो सम इज इक्वल टू आई के लिए हमने करवा लिया एडिशन उसके बाद नेक्स्ट लेवल्स के लिए हम कॉल लगाएंगे तो प्रिंट सम को हमने कॉल लगाई जिसमें नेक्स्ट लेवल के लिए आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी आई प्लस वन एन हमारा रहेगा एन और सम हमारा ऑलरेडी अपडेट हो चुका है इस स्टेटमेंट में तो उसे हम एज अ सम ही पास करेंगे अब बेस केस की बात करें तो बेस केस में क्या होगा अगर हमारे आई की वैल्यू एन की वैल्यू के इक्वल हो गई आई इज इक्वल टू एन इस केस में क्या हम सिंपली रिटर्न कर जाए नहीं हमें सिंपली अभी रिटर्न नहीं करना अभी तो हमने सम को प्रिंट भी नहीं करवाया तो उसे पहले प्रिंट करवाना पड़ेगा ऑल्सो जब i इज इक्वल टू एन होगा तो n को भी तो हमें अपने सम सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स में में ऐड करना है तो सम में पहले n को ऐड करेंगे फिर सम को प्रिंट करवाएंगे फिर रिटर्न करेंगे तो उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं सम में पहले ऐड करेंगे हम i को फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से प्रिंट करवा देंगे अपने सम को एंड फिर हम रिटर्न करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा जो रिकर्जिव फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया है इस फंक्शन को कॉल लगाएंगे अपने मेन फंक्शन से जिसमें पास करेंगे आई की वैल्यू में वन एन की वैल्यू में पास करते हैं फाइव और सम शुरुआत में है जीरो तो थोड़ा सा इसको रन करने के बाद एनालाइज करते हैं आउटपुट हमारे पास आया है फिफ्टीन फिफ्टीन कैसे आया सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर यह है मेन फंक्शन इसके अंदर आई की वैल्यू थी वन एन की वैल्यू थी फाइव सम की वैल्यू थी जीरो अब मेन फंक्शन ने कॉल लगाई प्रिंट सम को प्रिंट सम के पास जैसे ही कॉल लगी वहां पर आई की वैल्यू तो सेम हुई प्रिंट सम के पास वन एन की वैल्यू हुई फाइव सम की वैल्यू हुई जीरो लेकिन सम की वैल्यू इस फंक्शन में सम प्लस इक्वल टू आई यानी सम में आई एड हो गया सम में जब आई एड हुआ तो सम की वैल्यू अपडेट होकर हो गई वन अब इस अपडेटेड वैल्यू के लिए हमने एक और कॉल लगाई कॉल कैसे लगाई हमने इस लाइन की हेल्प से कॉल लगाई तो एक और लेयर क्रिएट हुई हमारे स्टैक में तो प्रिंट सम फिर से कॉल हुआ जिसमें अब आई की वैल्यू अपडेट होकर इंक्रीज हो गई है बाय वन तो आई की वैल्यू हो गई है टू एन हमारा है फाइव सम की वैल्यू थी वन लेकिन वन में अब हम i को ऐड कर देंगे तो वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री अब फिर से एक और कॉल लगाएंगे फिर से एक और कॉल लगाएंगे तो स्टैक में एक और लेयर बन जाएगी प्रिंट सम की जिसमें i की वैल्यू अपडेट होकर हो गई है थ्री n इज इक्वल टू फाइव अभी भी है सम की वैल्यू पहले थ्री थी थ्री में हम फिर से थ्री को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सिक्स अब इस लेवल से एक और ऊपर लेवल हम कॉल लगाएंगे कॉल लगाएंगे प्रिंट सम को दोबारा से जिसमें आई की वैल्यू अब फोर हो गई है एन की वैल्यू है फाइव सम की वैल्यू सिक्स प्लस फोर दैट इज अब लास्ट कॉल लगेगी फाइनल कॉल फाइनल कॉल में प्रिंट सम जब कॉल हुआ तो आई हो गया है फाइव एन भी है फाइव एन भी है फाइव यानी हमारा बेस केस रीच कर गया आई एन के इक्वल है आई एन के इक्वल जिस भी केस में है उसमें पहले सम में आई एड कर देंगे और प्रिंट करवा देंगे सम को तो सब में आई को ऐड किया यानी टेन में हमने फाइव को ऐड किया तो हो गया फिफ्टीन फिर प्रिंट करवा दिया हमने फिफ्टीन को एज आर आउटपुट जैसे ही फिफ्टीन को प्रिंट करवाया अब वहां से हम कर जाएंगे रिटर्न यानी इस लेवल की अब मेमोरी खत्म हो गई है वापस एक लेवल नीचे यहां से भी सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी मेमोरी से वापस एक लेवल नीचे फिर से डिलीट हो जाएंगी वापस एक लेवल नीचे और डायरेक्टली डिलीट हो रही है क्यों क्योंकि हमारी जो प्रिंट सम वाली कॉलिंग स्टेटमेंट है उसके बाद हमने कुछ नहीं लिखा उसके बाद हमारी चीजें एम हैं तो इसी तरीके से मेमोरी से चीज़ें डिलीट हो जाएंगी एंड फाइनली हम आ जाएंगे अपने मेन फंक्शन पर अब इसमें एक छोटा सा चेंज करके देखते हैं चेंज में क्या करेंगे ये जो प्रिंट सम वाली हमने स्टेटमेंट लिखी थी जिसमें हम अगले अगले लेवल्स पर कॉल लगा रहे थे इस स्टेटमेंट के बाद हम कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हैं हम प्रिंट करवाना चाहते हैं अपना आई ठीक है हम प्रिंट करवाएंगे अपना आई और इसे एक बार रन करते हैं एंड आउटपुट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे आउटपुट इस बार हमारा सिर्फ 15 नहीं आया 15 के अलावा प्रिंट हुआ फोर थ्री टू वन अब एक बार देखते हैं कैसे प्रिंट हुआ फोर थ्री टू वन जैसे ही हम सबसे ऊपर वाले लेवल पर थे जहां पर 15 प्रिंट हुआ था अब उस लेवल की मेमोरी हम खत्म करने वाले हैं उससे एक लेवल नीचे आने वाले हैं तो यहां की मेमोरी जो है वो खत्म हो जाएगी एक लेवल नीचे हम आएंगे अब यहां पे मेमोरी खत्म होने से पहले मतलब फंक्शन का स्कोप खत्म होने से पहले क्या होगा रिटर्न हुए हम इस स्टेटमेंट पर पर इसके बाद एक और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाली स्टेटमेंट है जिसको एग्जीक्यूट करना है स्टेटमेंट कहती है आप अपना आई प्रिंट करवाइए अब अगर हम इस लेवल पर हैं तो हमारा i क्या है हमारा i है फोर तो यहां पर हमारा जो फोर है वो प्रिंट हो जाएगा उसके बाद वापस गिर कर यहां की मेमोरी डिलीट हो जाएगी हम एक लेवल नीचे आएंगे एक लेवल नीचे आएंगे तो दोबारा से प्रिंट सम के नीचे वाली स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई प्रिंट हो रही होगी यहाँ का i इस लेवल का i हम प्रिंट करेंगे प्रिंट करेंगे i तो थ्री हमारे आउटपुट विंडो पर दिखेगा हमें थ्री प्रिंट हुआ फिर से मेमोरी डिलीट एक लेवल नीचे दोबारा आई प्रिंट करना है दोबारा से हम प्रिंट करवाएंगे टू फिर से मेमोरी डिलीट एक लेवल नीचे अब प्रिंट करवाना है हमें i तो प्रिंट करवा देंगे वन फिर से डिलीट एक लेवल नीचे एंड फाइनली हम आ गए अपने मेन फंक्शन में जहां पे हमें कुछ नहीं प्रिंट करवाना तो हमें दिखेगा कि हमारा आउटपुट पहले आया था सिर्फ 15 अब हमारे पास आया है 15 उसके बाद 4 3 2 1 तो कुछ इस तरीके से रिकार्जन काम कर रही है इंटरनली मेमोरी स्टैक के साथ तो जैसे ही हम मेमोरी स्टैक में ऊपर जाते जा रहे हैं हम अपने सम को कैलकुलेट कर रहे हैं और जैसे ही मेमोरी स्टैक में एक एक लेयर एक एक लेवल हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे हम अपने आय को प्रिंट कर रहे हैं अब एक और क्वेश्चन से रिकार्जन का जो बेस है उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते हैं क्वेश्चन हमारे पास है प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एन सबसे पहले बात करते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है मैथ्स के अंदर फैक्टोरियल ऑफ एन इज डिफाइंड एज एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस टू ऐसे ही करते करते टिल टन तो एक तरीके से कह सकते हैं कि थ्री फैक्टोरियल होगा थ्री इंटू टू इंटू वन टू फैक्टोरियल होगा टू इंटूनियल होगा स्पेशल केस आता है जिसको हम वन कहते हैं तो ये हो जाएगा हमारे लिए सिक्स ये हो जाएगा टू अब एक खास चीज देखें तो थ्री फैक्टोरियल को हम थ्री इंटू टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं हम इस चीज का थोड़ा सा यूज करेंगे अपनी रिकर्जन के अंदर तो इंट्यूशन कुछ ऐसा बनाना है कि सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे अपनी तीन चीजें वो तीन चीजें क्या थी उन तीन चीजों में सबसे पहले था कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी कि एन की क्या वैल्यू होने वाली है जो हमें मेन फंक्शन से मिल रही होगी एन की वैल्यू हम मान लेते हैं कि एन की वैल्यू होगी हमारे पास फाइफ सेकेंड चीज जो हमें पता हो वो ये हो कि हमें काम क्या करना है क्या काम करना है फैक्टोरियल कैलकुलेशन करने का फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसी करनी है एक लेवल पर हमें ये काम करना है कि सबसे पहले अगर हमें एन फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हम एन माइनस वन फैक्टोरियल बुला ले इनर फंक्शन से इनर फंक्शन को कॉल लगाएंगे यानी खुद को ही रिकर्सिव कॉल लगाएंगे और एन माइनस वन का फैक्टोरियल ले आएंगे अब एक बार हमारे पास एन माइनस वन का फैक्टोरियल आ गया तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे एन की वैल्यू को एन इन टू एन माइनस वन का फैक्टोरियल इज गोइंग टू गिव मी n फैक्टोरियल तो काम हमारा हर लेवल का हो गया कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करवा लीजिए एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड दूसरे स्टेप में आप एन को एन माइनस वन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड इसी चीज को इसी आउटपुट को आप कर दीजिए रिटर्न रिटर्न कर देंगे तो मतलब इस केस में हमारे पास जो रिकर्सिव फंक्शन होगा उसका रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होगा उसको हम इंटीजर टाइप कर दे सकते हैं थर्ड चीज जो हमें पता हो वो हो हमारा बेस केस यहां पर हम शुरुआत करने वाले या तो हम एन से वन की तरफ जा सकते हैं या हम वन से एन की तरफ जा सकते हैं अब हमारे पास सिंस एन पहले से गिवन है तो हम एन से वन की तरफ जाएंगे एन से एक एक डिक्रीज करते करते हर एक लेवल में वन पर जब पहुंच जाएंगे तो बेस केस में होगा अगर एन वन के इक्वल पहुंच जाए डिक्रीज होते होते तो उस केस में रिटर्न कर देंगे हम वन अब सोचें तो हर एक लेवल पर हमें एन फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है पहले लेवल पर एन फैक्टोरियल दूसरे लेवल पर एन की वैल्यू हो जाएगी एन माइनस वन तो दूसरे लेवल पर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस थ्री फैक्टोरियल ऐसे ही वन तक फिर रिटर्न हो जाना है हमें वापस अपने मेन फंक्शन की तरफ एंड यही एक एक वैल्यू डिक्रीज करते करते जब भी इनकी वैल्यू वन हो जाए वहां पर तो हमें पता है 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 कि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? वो होती वो जिसमें कोई मल्टीप्लीकेशन हमें करने की जरूरत नहीं तो वहां से डायरेक्टली हम हम रिटर्न कर देंगे को को अब इस पूरे कोड लिखने की कोशिश करते हैं इन तीनों कंडीशंस को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और अपने लिए एक कोड लिखेंगे सबसे पहले कोड लिखने के लिए हम बनाते हैं अपना एक फंक्शन पब्लिक स्टैटिक इसका रिटर्न टाइप हम रखेंगे इंट और इसे नाम देते हैं हम प्रिंट फैक्ट या फिर प्रिंट की जगह इसे नाम देंगे कैलकुलेट फैक्टोरियल कैलकुलेट फैक्टोरियल के अंदर पैरामीटर हमारे पास आ रहा होगा सबसे पहले तो हमारा एन एंड यहां पर हमें सिर्फ एन की जरूरत है पैरामीटर में हमारी जो फैक्टोरियल की वैल्यू है उसे हम रिटर्न कर रहे होंगे तो उसे अपने पैरामीटर्स में स्टोर कराने की हमें जरूरत नहीं है सबसे पहले हमें क्या करना था कैलकुलेट फैक्टोरियल में अपना काम करना है काम में सबसे पहला स्टेप है एन माइनस वन फैक्टोरियल कैलकुलेट करना तो एन माइनस वन फैक्टोरियल के लिए कर देंगे कैलकुलेट फैक्टोरियल कॉल जिसमें पास करेंगे वैल्यू एन माइनस वन अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये इनर फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें एन माइनस वन ला कर दे तो इस स्टेटमेंट से वो हमें एन माइनस वन ला कर देगा इसका जो आउटपुट है वो एक और इंटीजर में स्टोर करा लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू होगी ये अब फैक्टोरियल ऑफ एन होता है एन मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन तो फैक्टोरियल ऑफ एन इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन एंड रिटर्न क्या करना है हमें अपने फंक्शन से अपने करंट लेवल से अपना फैक्टोरियल एन यानी फैक्टोरियल ऑफ एन हम रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन का बेस केस क्या होगा बेस केस ये होगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर एन इज इक्वल टू वन हो जाए तो वहां से आप रिटर्न कर दीजिए अब इस फंक्शन में डायरेक्टली की जगह अगर पास हुआ होगा तो उसके लिए भी हम एक और लगाकर सेम कंडीशन लिख देते हैं कि अगर एन की वैल्यू अगर जीरो भी हुई हो तो भी आप वन रिटर्न कर दीजिए तो इस तरीके से हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया है फैक्टोरियल का जिसमें सबसे पहले हम फैक्टोरियल एन माइनस वन कैलकुलेट करेंगे अज्यूम करेंगे हमें किसी ना किसी तरह इनर फंक्शन दे देगा अपने लेवल पर हमें जो काम करना है वो है फैक्टोरियल एन कैलकुलेट करना और उसे रिटर्न करना अपने फंक्शन से बेस केस में एन इज इक्वल टू वन या एन इज इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में रिटर्न कर देंगे वन क्योंकि ये दोनों कंडीशन हमें गिवन होती है मेन फंक्शन में इंट एन को हम इनिशियलाइज करेंगे फाइव से एंड कॉल कर देंगे कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एन इस फाइनल आंसर को एक वेरिएबल आंसर में स्टोर करा लेंगे एंड इसे प्रिंट कर देंगे आंसर की फॉर्म में अब इस पूरे कोड को सेव करके हम रन करते हैं तो so रन करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आया है फाइव फैक्टोरियल का दैट इज वन ट्वेंटी और मैथमेटिकली देखें तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी दैट इज वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो हमारे पास जो फैक्टोरियल आया वो बिल्कुल सही है अब एक बार मेमोरी स्टैक बनाकर देखते हैं कि एक्चुअली मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा जब हमने अपना फंक्शन लिखा होगा मेमोरी स्टैक के अंदर सबसे पहले मेन फंक्शन था मेन फंक्शन में एन की वैल्यू हमने फाइव डिफाइन की अब मेन फंक्शन के बाद कॉल लगी है हमारे कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन को जिसमें एन पास हुआ है एज फाइव यहां पर हमारे फैक्टोरियल एन माइनस वन को पहले कॉल लगाई गई कॉल लगाई गई एन माइनस वन फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि कोड में सबसे पहले कॉल है फिर हमारा काम है तो पहले कॉल पर जाएंगे कॉल लगी एन एज ईक्ल टू फोर के लिए यहाँ पर भी सबसे पहले एक और कॉल लगी तो एक और लेयर क्रिएट हुई एन एज ईक्ल टू थ्री की एक और कॉल लगी कैलकुलेट फैक्टोरियल एन एज ईक्ल टू टू के लिए एंड फाइनल कॉल लगी कैलकुलेट फैक्टोरियल एन एज टू वन के लिए जैसे ही एन ए टू वन वाली कॉल पर हम आए हम बेस कंडीशन को रीच कर गए यानी ये वाला हमारा बेस केस आ गया हमारे पास बेस केस आ गया तो वहां से रिटर्न कर दिया हमने वन यहां से यहां से अब जो चीज रिटर्न होकर आई है दैट इज वन अब ये हमने मेमोरी से डिलीट कर दिया रिटर्न किया वन वन पर यहां पर फैक्टोरियल ऑफ एन फॉर एन इज इक्वल टू टू हो गया टू मल्टीप्लाइड बाई जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आई यानी टू इंटू वन विच इज टू यहां से हमने रिटर्न कर दिया फिर टू को ये भी मेमोरी से डिलीट हो गया अब कैलकुलेट हो गया नया एन फैक्टोरियल थ्री इंटू थ्री इंटू टू विच इज सिक्स ये भी मेमोरी से डिलीट हो गया नीचे वाले लेवल पर हमने रिटर्न किया था सिक्स यहाँ पर जाकर एन फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ हमारे लिए ट्वेंटी फोर ये भी मेमोरी से डिलीट हुआ नीचे वाले लेवल पर हमने रिटर्न किया ट्वेंटी फोर उसके बाद एन फैक्टोरियल इस लेवल पर जो कैलकुलेट होगा वो होगा फाइव इन टू ट्वेंटी फोर दैट इज़ वन ट्वेंटी एंड फाइनली मेन फंक्शन में जो हम वैल्यू रिटर्न करेंगे दैट इज वन ट्वेंटी ये भी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा मेन फंक्शन के अंदर हम 120 को अपने आंसर के अंदर स्टोर करा लेंगे एंड उसी को हम कर देंगे प्रिंट तो कुछ इस तरीके से ही जब हमने फैक्टोरियल का कोड लिखा रिकर्जन की हेल्प से मेमोरी में स्टैक बना होगा रिकर्जन की हेल्प से मेमोरी स्टैक के अंदर लेयर्स बनी होंगी फंक्शन के लेवल्स बने होंगे और इसी एग्जीक्यूशन की वजह से हमारे जो आउटपुट है फाइनली हमारे पास 120 ट्वेंटी रिटर्न होकर आया अब एक और क्वेश्चन अगर देखें इसके ऊपर तो बेसिक क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इसमें अगला क्वेश्चन है फिबोनाची सीरीज टिल एनिथ टर्म तो फिबोनाची सीरीज़ हमें प्रिंट करनी है टिल एनिथ टर्म सबसे पहले बात कर लेते हैं फिबोनाची सीरीज क्या है बहुत सारे बहुत सारे कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चंस में इस सीरीज़ का यूज़ होता है तो हमें पता होना चाहिए काफ़ी अच्छे से कि ये सीरीज़ क्या होती है इसका आइटरेटिव तरीका अगर आपको पहले से आता हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है बाकी रिकर्जिव तरीका तो हम समझेंगे ही सबसे पहले बात करेंगे कि फिबुनाची सिक्वेंस क्या होता है फिबोनाची सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें अगर ए बी सी तीन नंबर सीक्वेंस में लिखे हैं तो सी इज द सम ऑफ ए एंड बी यानी सी की वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल है इस सीक्वेंस के सबसे पहले जो दो नंबर्स होते हैं वो होते हैं जीरो और वन तो सीक्वेंस का पहला नंबर है जीरो दूसरा नंबर है वन अब जो तीसरा नंबर होगा हम पता कर सकते हैं जीरो प्लस वन होगा यानी वन चौथा नंबर होगा वन प्लस वन यानी टू पांचवा नंबर होगा वन प्लस टू यानी थ्री एंड सिमिलरली सिक्स नंबर होगा हमारा फाइव एंड इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती रहती है तो इसे आइटरेटिव तरीके से अगर हमें सॉल्व करना हो तो उसमें हम ए और बी दो वेरिएबल्स ले लेते हैं उसके बाद उनकी वैल्यूज को ऐड करते रहते हैं कुछ इस तरीके से आइटरेशन में हम इसे सॉल्व करते हैं अब बात करेंगे रिकार्जन की रिकार्जन में इसको कैसे सॉल्व करना है तो रिकार्जन में सबसे पहले तो अपनी तीन चीजें क्लियर कर लेते हैं सबसे पहला क्या क्लियर करेंगे ये क्लियर करेंगे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि शुरुआत के दो नंबर क्या है यानी शुरू का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज इज एंड टर्म अब हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी टर्म्स निकालनी निकाल 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 है वो हम इन दोनों टर्म्स की हेल्प से निकाल सकते हैं सेकेंड चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमारा काम क्या होने वाला है काम होने वाला है फिबोनाची सीक्वेंस में ये कि हम पिछले दोनों टर्म्स को ऐड करके अपना थर्ड टर्म बनाए सेकेंड और थर्ड को ऐड करके फोर्थ टर्म बनाए तो इसी तरीके से लास्ट दो टर्म्स को हम ऐड करके अपना नेक्स्ट टर्म बना रहे हो काम है टू क्रिएट द नेक्स्ट टर्म और वो कैसे बनेगा C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाले फॉर्मूला से थर्ड चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि क्या हमारा बेस केस है हमारा बेस केस इस सिचुएशन में ये होगा कि हमें एन टर्म्स प्रिंट करनी है फिबोनाची सीक्वेंस में तो हम एनिथ टर्म पर जब पहुंच जाए तब हम रुक जाए तो बेस केस होगा हमारी एनिथ टर्म तो जब भी एनिथ टर्म पर पहुंच जाएंगे तब हम रुक जाएंगे तो थोड़ा बहुत हम इसे इंट्यूशन फॉर्म कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें मेन फंक्शन से मिल रहे होंगे ए और बी यानी फर्स्ट वैल्यू क्या है सेकेंड वैल्यू क्या है उसके साथ साथ ट्रैक रखने के लिए कि हम हमने कितनी टर्म्स प्रिंट कर ली हैं हम एक और एडिशनल पैरामीटर ले सकते हैं उस एडिशनल पैरामीटर को एक एक इंक्रीज कर देंगे लेवल वाइज की फर्स्ट टर्म प्रिंट हो गई सेकेंड प्रिंट हो गई थर्ड प्रिंट हो गई अब कुछ ऐसा करेंगे कि फर्स्ट टर्म तो हमें पता है जीरो है सेकेंड है वन अब इन दोनों टर्म्स को हम अपने मेन फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करवा लेंगे तो दो टर्म्स तो हमने मेन फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करवा ली और एन को एज एन माइनस टू पास करेंगे क्योंकि दो टर्म्स हमने ऑलरेडी प्रिंट कर ली तो हमें अब बाकी की एन माइनस टू टर्म्स को प्रिंट करवाना है उसके बाद एक एक करके टर्म्स को हम प्रिंट करवाते जाएंगे अपने रिकर्सिव फंक्शन के अंदर तो इसका कोड पहले समझते हैं उसके बाद देखेंगे कि मेमोरी स्टैक में क्या हो रहा है अब इस फंक्शन में हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं तो इसका रिटर्न टाइप हम रखेंगे वॉइड वॉइड एंड इसे नाम हम दे देंगे प्रिंट फिब प्रिंट फिबनाची सीक्वेंस तो प्रिंट फिब हमने नाम दे दिया इसमें तीन पैरामीटर्स आ रहे होंगे हमारे पास ए बी एंड हमारा टर्म जिसे हम नाम दे देंगे एन अब इसमें समझते हैं सबसे पहले कि ए बी और एन क्या है हमारे लिए ए जो है वो है सेकेंड लास्ट टर्म एंड बी जो है वो है लास्ट टर्म तो अपनी सेकेंड लास्ट टर्म और अपनी लास्ट टर्म को यूज करके अगर हम इनका सम ले लें तो हम बना लेंगे अपनी नेक्स्ट टर्म को तो इस चीज को हमें थोड़ा ध्यान से देखना है सबसे पहले हमने बात की थी कि जो इनिशियल फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स है उनको हम प्रिंट करवा लेंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर क्योंकि उनके बारे में हमें पहले से पता है तो उन्हें पहले ही हम डिफाइन कर लेते हैं इंट ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू वन अब प्रिंट करवा लेते हैं सबसे पहले ए उसके बाद बी एंड उसके बाद कॉल तो हमें करना ही है प्रिंट फिबोनाची पर जिसमें ए पास कर दिया बी पास कर दिया अब हमें मान लेते हैं कि हमें प्रिंट करवानी थी सेवन टर्म्स यहां पर हमने ऑलरेडी बात की कि हम पास करने वाले एन माइनस टू क्योंकि सेवन में से दो टर्म्स तो हमने ऑलरेडी प्रिंट करवा दिए एन बी अब हमें प्रिंट करवानी है बाकी की फाइव और इस रिकर्जिव फंक्शन के अंदर क्या हो रहा होगा सबसे पहले हम करेंगे अपना काम हमारा काम है अपनी नई टर्म यानी थर्ड टर्म कैलकुलेट करना तो इन टी इज इक्वल टू ए प्लस बी ये हमारी थर्ड टर्म हो गई इसे हमें अब प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा देंगे अपने सी को उसके बाद कॉल लगाएंगे नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए तो प्रिंट नेक्स्ट टर्म की अगर बात करें हमारे पास ए था हमारे पास बी था हमने कैलकुलेट कर लिया सी सी को हमने प्रिंट करवा दिया अब हम सी से अगले वाली टर्म अज्यूम करते हैं इसे डी कहेंगे डी को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसमें हमारे लिए ए बन जाएगा बी और बी बन जाएगा सी तो अब हमारा जो नया ए होगा वो होगा हमारा पुराना बी और नया बी होगा हमारा पुराना सी ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और समझे तो पहले अगर जीरो वन था अब हमने सी कैलकुलेट कर लिया वन तो अगर हमें डी कैलकुलेट करना है तो अब हम वन और वन पास करेंगे एज ए एंड बी उससे हम डी इज इक्वल टू टू को कैलकुलेट करने वाले हैं तो इस सेम चीज को हम कोड में लिखेंगे सबसे पहले पास करेंगे हम बी एंड बी में पास करेंगे सी अब हमने एक टर्म तो प्रिंट करवा दिया तो आगे के लिए हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स थी वो डिक्रीज हो जाएगी बाय वन तो एन की जगह पास करेंगे एन माइनस वन एंड बेस केस ये होगा कि जब भी ये जो टर्म्स है यानी कम होते होते अगर zero तक पहुंच जाए वहां पर हम रुक जाएंगे वहां से कर देंगे directly return. तो अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म जीरो हो गई है मतलब हमने सारी की सारी जो टर्म्स है वो प्रिंट कर दी तो यहां से हम कर जाएंगे डायरेक्टली रिटर्न तो कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन जो है काम कर रहा होगा प्रिंट फिबोनाची कॉल करेंगे ए बी एंड एन माइनस टू के लिए वहां पर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सी प्रिंट करवा देंगे सी को फिर प्रिंट फिबोनाची कॉल करेंगे बी के लिए सी के लिए जो पुरानी दो टर्म्स हो गई है और नई नंबर ऑफ टर्म्स बची हैं एन माइनस वन यानी अभी जो जितनी प्रिंट करनी थी उसमें से हमने एक माइनस कर ली क्योंकि वो हमने प्रिंट करवा दी अब बेस केस है एन इज इक्वल टू जीरो अगर हो जाए जिस पॉइंट पर वहां से आप कर दें रिटर्न अब यहां पर एक और तरीके से हम एन का ट्रैक रख सकते थे कैसे हम शुरुआत में एक i और एन की वैल्यू पास कर देते i को रखते जीरो और देखते जाते कि कब हमारा आई एन के इक्वल हो जाए जब भी आई एन के इक्वल हो जाए वहां से हम रिटर्न कर जाते लेकिन हमने दूसरा तरीका अपनाया है जिसमें हमने एन की वैल्यू को ही डिक्रीज किया है ताकि हमें एक्स्ट्रा पैरामीटर ना लेना पड़े अब इस कोड को रन करते हैं रन करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आया वो आई हमारी सेवन टर्म्स यानी जीरो वन वन टू थ्री फाइव एट एंड लास्ट टर्म एट को एनालाइज करें तो इट इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू टर्म्स यानी एट इज द सम ऑफ दाइव एंड थ्री तो इस तरीके से फिबनाची सीक्वेंस में हम पुराने दो नंबर्स को ऐड करके अपनी नई टर्म को फॉर्म करके उसे प्रिंट करवाते हैं रिकर्जिवली इसका भी अगर मेमोरी स्टैक बनाकर थोड़ा सा एनालाइज करें तो उसे जल्दी से करते हैं मेमोरी के अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा कि मेन फंक्शन के अंदर हमने जीरो और वन जीरो और वन को तो प्रिंट करवा दिया अब हमने कॉल लगाई अपने प्रिंट फिबोनाची फंक्शन को जिसमें हमने ए की जगह पास किया जीरो बी की जगह पास किया वन और एन की जगह यहां पर सेवन था दो टर्म्स हमने प्रिंट करवा दी तो पास किया फाइव अब फाइव हमने पास कर लिया उसके बाद सी हमने कैलकुलेट किया सी क्या हो गया ए प्लस बी यानी वन C1 वन था और C को हमने प्रिंट करवा दिया एज वन फिर एक और कॉल लगाई एक और लेयर फॉर्म हुई स्टैक में प्रिंट फिबोनाची को फिर से कॉल लगाई तो अब क्या पास हुआ दोनों A और B में A में गया पुराना B यानी वन और B में गया पुराना C यानी वन और n हुआ n माइनस वन यानी फोर तो C की वैल्यू इस बार जो होगी वो होगी वन प्लस वन यानी टू तो प्रिंट करवा देंगे हम टू को फिर से एक और लेयर ऊपर प्रिंट फिबोनाची में अब ए की जगह पुराना बी यानी वन बी की जगह पुराना सी यानी टू उसके बाद एन की वैल्यू डिक्रीज बाय वन और सी हो गया है हमारा वन प्लस टू यानी थ्री थ्री को हमने प्रिंट करवा दिया एक और लेवल ऊपर कॉल लगी प्रिंट फिबोनाची में अब ए की जगह पुराना बी यानी टू B की जगह पुराना C यानी थ्री और n माइनस वन यानी टू तो C की वैल्यू हो गई टू प्लस थ्री यानी फाइव फाइव को हमने प्रिंट करवा दिया एक और लेवल ऊपर में इस बार A की वैल्यू पुराना B यानी थ्री B की वैल्यू पुराना C यानी फाइव और टू की वैल्यू जो है डिक्रीज होकर हो गई वन यहां पर C की वैल्यू होगी गई थ्री प्लस फाइव दैट इज एट एट को हमने प्रिंट करवा दिया अब एक और लेवल ऊपर गए तो प्रिंट फेबोनाची कॉल हुआ जिसमें ए की वैल्यू पुराना बी यानी फाइव बी की वैल्यू पुराना सी यानी एट और एन की वैल्यू डिक्रीज होकर हो गई जीरो अब यहां पर हम रीच कर गए अपना बेस केस जैसे ही एन जीरो हुआ यहां से हम डायरेक्टली कर गए रिटर्न अब रिटर्न किया तो ये मेमोरी से हट गया रिटर्न कर गए अब ये मेमोरी से हट गया रिटर्न किया तो इस तरीके से एक एक करके स्टैक से हमारी जो मेमोरी है वो फ्री होती रहेगी एंड फाइनली अपने मेन फंक्शन तक हम पहुंच जाएंगे और जब एनालाइज करेंगे क्या क्या प्रिंट हुआ तो सबसे पहले प्रिंट हुआ जीरो फिर वन उसके बाद वन टू थ्री फाइव एंड एट एंड फाइनली हम कंडीशन रीच कर गए होंगे अपने बेस केस की तो कुछ इस तरीके से हमारा फिबनाची सीक्वेंस जो है वो एग्जीक्यूट होता है एक रिकर्सिव कोड की हेल्प से अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का नाम है प्रिंट एक्स टू दी पार एन और इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमारे जो स्टैक की हाइट है उसे हम रखेंगे एन अब ये स्टैक की हाइट क्या होती है स्टैक के अंदर जितने लेवल ऑफ फंक्शन्स फॉर्म होते हैं या कॉल होते हैं उसे हम स्टैक की हाइट कह देते हैं इस स्टैक की अगर हमें हाइट कैलकुलेट करनी हो तो वो क्या होगी इसमें हम नंबर ऑफ लेवल्स को काउंट कर लेंगे वो होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यानी हाईएस्ट लेवल जो हम रीच कर गए अपने मेमोरी स्टैक में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ़ंक्शंस के लेवल्स उसमें होंगे एक टाइम पर, वो स्टैक की हाइट होगी तो स्टैक के लिए हाइट हो गई है सेवन सिमिलरली पिछले किसी स्टैक के लिए हाइट कैलकुलेट करें तो वो होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वो हो गई सिक्स तो अब यहां पर अगर हमारे पास एंड टर्म्स थी अगर स्टैक की हाइट की बात करें तो फिबोनाची वाले क्वेश्चन में अगर एन टर्म्स थी तो स्टैक की हाइट एक पॉइंट पर थी एन माइनस वन क्योंकि दो टर्म्स तो मेन फंक्शन में आ गई बाकी माइनस टू प्लस वन तो एन माइनस वन स्टैक की जो टोटल हाइट थी वो थी एन माइनस वन एंड इसको भी अगर हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में दिखाएं तो स्टैक की जो हाइट होगी वो होगी एन इसी तरीके से हमें सबसे पहले प्रिंट एक्स रेस टू पार एन वाले फंक्शन को यानी एक्स रेस टू पार एन वाले फंक्शन को कुछ रिकर्जिवली इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है इस तरीके से लिखना है कि उसके स्टैक की हाइट एन रहे अब इसको कैसे करेंगे सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक्स टू दी पार एन होता क्या है एक्स टू मतलब एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई करना कितने टाइम्स एन टाइम्स ये हमें समझ में आ गया अब रिकर्जिवली हम वो तीन चीजें करने वाले हैं जो हम हर बार करते हैं सबसे पहला ये कि हमें गिवन क्या है हमें गिवन होंगे एक्स की वैल्यू और एन की वैल्यू दूसरी चीज ये कि हम काम क्या करने वाले हैं हम काम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हम x टू दी पार n माइनस वन कैलकुलेट कर लेंगे x टू n माइनस वन हमने कैलकुलेट कर दिया तो उसको जब हम सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर क्या आ जाता है एन माइनस वन प्लस वन यानी एक्स टू दार एन ये तो मैथमेटिकली हमने सीखा हुआ है नाइन टेंथ क्लास के अंदर तो हमें सबसे पहले इसके लिए अपने इनर फंक्शन को काम दे देंगे कि, कि किसी ना किसी तरह एक्स टू दी एन माइनस वन कैलकुलेट कर लो वो कैलकुलेट करके आंसर आया तो x से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दे देगा हमें x टू दार एन की वैल्यू ये है हमारा काम थर्ड चीज़ जो हमें करनी है वो है बेस केस बेस केस क्या होगा x टू दी पार ज़ीरो हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है x टू पार जीरो होता है वन लेकिन एक केस जिसमें x ही जीरो हो जाए उस केस में हमारे पास होता है जीरो तो ये दोनों जो स्पेशल कंडीशंस हैं ये हमारे दो बेस केस बनने वाले हैं तो इस फंक्शन के अंदर हम लिखने वाले हैं पहली बार दो बेस केसेस तो इस तरीके से देख पाएंगे कि दो बेस केसेस होते हैं तो किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है फंक्शन के अंदर हो गए हमारे बेस केसेस हमारा काम हो चुका है हमारे जो वेरिएबल्स हमें लेने थे जिनकी वैल्यू इनपुट करनी थी वो हमें पता है अब थोड़ा सा इंट्यूशन बिल्ड करते हैं इंट्यूशन हम बिल्ड कर रहे होंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है हमें पता है कि अगर पावर फंक्शन कोई कैलकुलेट पावर फंक्शन अगर होता जिसके अंदर हम एक्स टू दिन कैलकुलेट कर पा रहे होते तो इस फंक्शन में अगर किसी ना किसी तरह कैलकुलेट पावर फंक्शन से हम एक्स टू दि पार एन माइनस वन कैलकुलेट कर पाए और उसमें एन को मल्टीप्लाई कर दें उसमें एक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू दी पार एन माइनस वन इज गिविंग मी एक्स टू तो जैसे हमने प्रिंट फैक्टोरियल में किया था पहले फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन कैलकुलेट किया था फिर एन से मल्टीप्लाई कर दिया था वैसा ही कुछ हमें यहां करना है जहां सबसे पहले एक्स टू की बार एन माइनस वन कैलकुलेट करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है एक्स से अब हम समझ पा रहे हैं कि हर लेवल पर हमारी जो पावर है यानी एन है वो चेंज हो रही है सबसे पहले एन होगी फिर एन माइनस वन होगी एन माइनस टू होगी तो वो एक चीज जो डिक्रीमेंट बाय वन वाली है वो हम इंप्लीमेंट कर लेंगे अपने रिकर्सिव फंक्शन में दूसरा हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं हमारे एक्स और एन और पावर जो है यानी एक्स टू तो दी पावर एंड जो भी वैल्यू आएगी हर लेवल पर उसे हम कर रहे होंगे रिटर्न तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैरामीटर्स नहीं लेंगे एक्स्ट्रा स्पेस की हमें जरूरत नहीं है उसे डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे तो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत हमें चीजें समझ में आ रही है रिटर्न टाइप हमारा एंट होने वाला है अब इसका एक बार कोड लिखकर समझते हैं और उस कोड को फिर बाद में हम एनालाइज करेंगे कोड के लिए सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप इसका रखेंगे इंट क्योंकि हम बाद में रिटर्न कर रहे हैं अपनी पावर को और इसे नाम देंगे हम कैलकुलेट पावर कैलकुलेट पावर के अंदर हमारे पास होंगे दो वेरिएबल्स एक होगा एक्स एक होगी हमारी पावर एन अब सबसे पहले अपना काम करेंगे फंक्शन के अंदर एक्स एन मिल गए तो अब काम करेंगे काम है एक्स टू दी पावर एन माइनस वन कैलकुलेट करना वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे कैलकुलेट कर लेंगे x पावर n माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन के लिए हमने कैलकुलेट पावर फंक्शन को कॉल कर दिया जिसमें पास किया x और पावर क्या दी है इस बार n माइनस वन क्योंकि हमें n माइनस वन पावर कैलकुलेट करनी है अब हमें पता है कि x पावर n होता है x मल्टीप्लाइड बाय x पावर एन माइनस वन एंड इसी को हम कैलकुलेट करके कर देंगे अपने फंक्शन से रिटर्न एंड इस सिचुएशन में बेस केस ये होगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर हमारा जो एन है वो हमारे पास हो जाता है जीरो तो यहां पर हम रिटर्न कर देंगे वन और किसी भी केस में अगर हमारा एक्स जीरो होता है हमारे पास तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे जीरो को तो ये है हमारा बेस केस वन ये है हमारा बेस केस टू ये है हमारा काम एंड फाइनली रिटर्न कर दिया एक्स पावर एन को अपने मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन कर लेते हैं एक्स को हम मान लेते हैं टू एन को इनिशियलाइज कर देते हैं फाइव के साथ और आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेट पावर को कॉल करके कैलकुलेट पावर में अपना एक्स और एन हमने पास किया एंड फाइनली जो हमारे पास आंसर रिटर्न होकर आया उसे हम प्रिंट करवा देंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर तो कुछ इस तरीके से हमारी रिकर्जन एग्जीक्यूट हो रही होगी इसे एक बार रन कर कर आउटपुट देखते हैं आउटपुट हमारे पास आया थर्टी टू अब ये थर्टी टू कैसे आया उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं अब हमें एक चीज़ तो पता ही है कि x हमने 2 लिया n हमने 5 लिया तो 2 टू दी पार 5 हमारे पास 32 जो आया है वो करेक्ट आंसर है अब एक बार आप इस कोड को और मेमोरी स्टैक को साथ के साथ देखेंगे तो आपको और थोड़ा इंट्यूटिवली समझ में आएगा कि कोड में क्या चल रहा है और मेमोरी स्टैक में क्या चल रहा है सबसे पहली चीज तो मेन फंक्शन जब बनेगा वहां से एक्स और एन हमारे पास ऑन हुए मेमोरी स्टैक की अगर हम बात करें तो मेमोरी में सबसे पहले बनेगी मेन की लेयर मेन की लेयर में एक्स इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू फाइव हमने एस्टैब्लिश कर लिया उसके बाद कॉल होगा हमारा कैलकुलेट पावर फंक्शन कैलकुलेट पावर फंक्शन का जब पहला कॉल गया तो हमारा लेवल जो क्रिएट हुआ कैलकुलेट पावर का उसमें एक्स की वैल्यू गई हमारे पास टू एन की फाइव अब कैलकुलेट पावर ने सबसे पहले एक्स टू दी पार एन माइनस वन कैलकुलेट करने के लिए कॉल लगाई ये कॉल लगाई तो हम एक लेवल और ऊपर गए जहां पर एक्स की वैल्यू टू रही एन की वैल्यू फोर हो गई सिमिलरली एक्स की वैल्यू दोबारा से टू एन की वैल्यू थ्री एक्स की वैल्यू टू एन की वैल्यू भी टू कैलकुलेट इसे हम कर लेते हैं कैलकुलेट पावर फंक्शन x की वैल्यू टू n की वैल्यू वन एंड फाइनली जो हम एक और कॉल लगाएंगे उसके अंदर कैलकुलेट पावर में x की वैल्यू टू है और n की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो एंड जैसे ही n की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो यहाँ पर हम रीच कर गए अपना बेस केस बेस केस में क्या हुआ बेस केस में हमने रिटर्न करवा दिया पिछले लेवल को वैल्यू वन जैसे ही वन यानी एक्स टू दी पावर एन जीरो हमारे पास आ गया वन अब उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स की वैल्यू के साथ तो बन जाएगा एक्स टू दार वन इज ईक्ल टू टू इसे हम करवा देंगे रिटर्न टू हमने रिटर्न करवाया यानी एक्स की पावर वन हमारे पास आया टू इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स इज ईक्ल टू टू से तो एक्स टू दार टू हमारे पास बन गया फोर दोबारा से हमने रिटर्न करवा दिया इसे तो फोर हमारे पास आया तो एक्स टू दार टू हमारे पास आया फोर इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से तो x की पावर थ्री हमारे पास हो गया क्या फोर मल्टीप्लाइड बाई टू दैट इज एट अब एक लेवल नीचे हम हाई यहां पर हमने पास ऑन किया एट एक्स टू दी पार थ्री हमारे पास आ गया एट अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स इज इक्वल टू टू से तो एक्स टू दि पार फोर एक तरीके से हमने कैलकुलेट कर दिया इस लेवल पर क्योंकि एन हमारा फोर है तो इस लेवल पर एक्स टू दी पार फोर हो रहा होगा तो एक्स टू फोर में टू इन एट इज इक्वल टू सिक्सटीन हमने वापस आए और आते आते हम ये मेमोरी से जो ये स्पेस है ये डिलीट करते आ रहे हैं तो ये फ्री करते आ रहे हैं स्पेस को स्टैक से एक्स टू दी पार फोर हमारे पास आया सिक्सटीन उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स इज इक्वल टू टू से एक्स टू दाइव हमारे पास आ गया सिक्सटीन इन टू दैट इज थर्टी टू एंड फाइनली हम रिटर्न कर देंगे थर्टी टू अपने मेन फंक्शन को मेन फंक्शन के पास थर्टी टू आया तो मेन फंक्शन ने बड़े आराम से आंसर नाम के वेरिएबल में थर्टी टू को स्टोर करवा लिया और उस आंसर को प्रिंट करवा लिया मेन के अंदर हमने तो इस तरीके से मेमोरी स्टैक की हेल्प से हमने रिकर्जिवली एक्स टू दी बार एन को कैलकुलेट किया अब इस स्टैक की अगर हाइट की बात करें हम तो हाइट अगर एनालाइज करें हाइट है हमारी अगर हम मेन फंक्शन की हाइट इग्नोर करें इस केस में तो कैलकुलेट पावर फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ वो एक तरीके से हाइट है मतलब एक बार में कितने लेवल्स बन रहे हैं हाईएस्ट लेवल एक बार में कितना रीच हुआ स्टैक का तो लेवल रीच हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स लेवल्स जो हैं हमारे वो रीच हुए हमें जो एंड गिवन था वो था फाइव अब यहाँ पर वन का डिफरेंस आ जा आ सकता है ये जो बेस कंडीशन थी इसे हम एक लेवल पहले भी लिख सकते थे किसी ना किसी तरह अब यहाँ पर एन इज लेकिन हमारे लेवल गए हैं सिक्स तक लेकिन जब भी हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हम एसिमटोटिक नोटेशन की बात कर रहे हैं यानी जब हम n को इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर रहे होंगे तब जो रिलेशन रहेगा स्टैक की हाइट का और n का वो सेम होना चाहिए जैसे कि यहां पर जो डिफरेंस वन आ रहा है दैट इज नेग्लिजिबल लेकिन एन की वैल्यू अगर नाइन 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 होती and stack height की तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो बहुत नेग्लिजिबल है इन दोनों वैल्यूज को हम एक तरीके से इक्वल ही मानेंगे इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो एन की वैल्यू गिवन है वो हमारी स्टैक की हाइट के इक्वल है हमने इसी तरीके से अपनी स्टैक की हाइट को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है अब एक सेकेंड क्वेश्चन करते हैं वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन जिसके अंदर चेंज बस इतना है कि एक्स टू दी पार एन कैलकुलेट तो करना है पर स्टैक की हाइट हमें रखनी है लॉग एन तो ये लॉग एन हाइट मेंटेन करते हुए कैसे हम अपने एक्स टू दार एन को कैलकुलेट करेंगे अब इसमें स्पेशल चीज ये है कि जब हम स्टैक की हाइट को एन से लॉग इन तक लेके जाएंगे तो हमें फायदा ये होगा कि एक टाइम पर हमारी जो मेमोरी कंज्यूम हो रही है स्टैक के अंदर वो बहुत कम होगी तो एक तरीके से हमारी जो एल्गोरिदम है हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज है धीरे धीरे हम बहुत सारी टेक्निक सीखने वाले हैं रिकर्जन के बाद जिससे हमारी जो रिकर्जन है वो और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी इनमें से काफी एक फेमस टेक्निक होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग जिसमें हम मेमोइजेशन यूज कर लेते हैं अगर आइटरेशन सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम टैबुलेशन यूज करते हैं तो इन दो टेक्निक्स को यूज करके हम काफी हद तक अपनी जो मेमोरी स्पेस है उसको डिक्रीज कर लेते हैं जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको डिक्रीज कर लेते हैं पर ये सब हम बाद में पढ़ने वाले हैं अभी हम बेसिक रिकर्जन पढ़ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच यूज नहीं कर रहे हो लेकिन वो अप्रोच रिकर्जन को समझने के लिए ज्यादा सेम है। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें स्टैक हाइट इज इक्वल टू लॉग इन हमें देखनी है कि हमारी हो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ चीज़ डिस्कस करते हैं चीज़ ये है कि x की पावर अगर n है तो क्या हम इसे लिख सकते हैं x टू दिन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू n बाई टू इज दिस पॉसिबल ये दिस इज पॉसिबल यस दिस इज पॉसिबल बट सिर्फ उन्हीं केसेस में जिसमें एन एक इवन पावर है अगर ऑड पावर हुई तो ऑड पावर हुई अगर एन तो उस केस में क्या होगा एन होगा एक्स टू पार एन बाई टू इन टू एक्स टू पार एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स तो ये जो एन बाय टू ये एन बाय टू एन को मैं एज्यूम कर रही हूं कि ये एक जावा का इंटीजर है जिसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं आएंगी तो फाइव डिवाइडेड बाई टू को मैं टू एज्यूम कर रही हूँ सेवन डिवाइडेड बाई टू को मैं थ्री मान रही हूं तो हमें वही करना है एक्स टू x टू दू इन टू एक्स तो कुछ इस तरीके का एक डिविजन होता है मैथ्स के अंदर जिसको हम ध्यान में रख के एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिससे हमारी स्टैक हाइट आए लॉग इन तो ये हमने समझ लिया ये हमने समझ लिया अब ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जो हम अगर 30-35 क्वेश्चन कर लेंगे रिकार्जन के उसके बाद इंट्यूटिवली हमारे पास आने लग जाएंगी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस क्वेश्चन को और आपको लग रहा है कि ये हमने कैसे डेराइव कर लिया ये हमने कैसे डराइव कर लिया तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत मुश्किल होता है खुद से इंट्यूटिवली सोच पाना तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं उनकी अप्रोच समझते हैं और ये अप्रोच किसी ना किसी तरह आगे जाकर बाकी क्वेश्चन में हमें हेल्प कर देगी तो यहां पर भी हमें सेम चीज करनी है इस अप्रोच को थोड़ा सा समझना है और इस अप्रोच को हम सिर्फ इसी नहीं बहुत सारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं तो ये चीज हमने समझ ली कैन इज इक्वल टू इवन पावर के लिए ऐसा केस है एन इज इक्वल टू ऑड पावर के लिए कुछ ऐसा केस है अब अगर दो केसेस को हम देखें जिसमें सबसे पहले n की वैल्यू रखेंगे फोर x टू फोर को हम डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर विच इज n बाई टू पहले n था फोर अब n है टू इसको भी हम डिवाइड कर दें x, x की पावर वन एक्स की पावर वन एक्स की पावर वन तो यहां पर एन इज इक्वल टू वन हमारे पास आ गया अब मान लेते हैं एक्स पावर वन पर हमें रुक जाना है तो इसके बाद और कोई फर्दर डिविजन नहीं है अब आप यहां पर ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसकी हाइट अगर आप एनालाइज करें हाइट होगी वन टू थ्री तो हमारी जो हाइट होगी वो होगी इक्वल टू आर लेवल्स यहां पर लेवल है पहला लेवल दूसरा लेवल तीसरा लेवल तो हाइट हो गई है हमारे लिए थ्री अब हम इसी चीज को थोड़ा सा और जनरलाइज्ड फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा अब जैसे हमने ये इवन केस के लिए कैलकुलेट किया वैसे ही ऑर्ड केस में क्या होगा एक्स टू दी पार फाइव अगर गिवन है तो सबसे पहले डिवाइड होगा एक्स स्क् इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स अगले केस में सिंस ये एक इवन वैल्यू है अब हमें कोई मल्टीप्लाइड बाय एक्स नहीं करना सिंपली एक्स टू दार वन एक्स टू दार वन एक्स टू दार वन एक्स टू दार वन तो इस केस में भी जो लेवल्स बने वो तीन ही बने तो तीन लेवल्स में ही हमने सेम पावर जो है वो कैलकुलेट कर ली अब इन इवन एंड ऑड केसेस को हम जनरलाइज करते हैं कैसे एक्स टू मान लेते हैं हमें निकालना है क्या हम x टू पार n निकाल सकते हैं अगर x टू पार n माइनस टू हमें पता हो और यह पता हो कि क्या n ऑर्डर इवन है तो क्या हम x टू पार n कैलकुलेट कर लेंगे हाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके एक और लेवल नीचे जाकर सोचते हैं अगर हमें x टू पार n बाय फोर पता है और पता है कि n की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू क्या है तो क्या हम ये एक्स टू दी पावर एन बाई टू कैलकुलेट कर लेंगे हां हम कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके और एन अगर एक ऑड नंबर है तो इनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से जिसमें कोई एडिशनल हमें लेवल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम नॉर्मली उसी सेम इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये चीज हमने समझ ली एक और लेवल नीचे अगर जाकर सोचे तो क्या हमें अगर एक्स टू दी दिन बाई एट और एक्स टू दी दिन बाई एट की वैल्यू मिल जाए तो हम एक्स टू दी पार एन बाय फोर कैलकुलेट कर लेंगे हाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके तो हमें एक तरीके से समझना है कि हमारा जो काम यहां पर होने वाला है जो सिंगल स्टेप हम लेते हैं रिकर्जन के अंदर वो ये होगा कि आप x टू n बाई टू कैलकुलेट करके हमें दे दीजिए और ये दोनों वैल्यूज आपने दे दी मतलब सेम वैल्यू दो बार आपने कैलकुलेट करके आप ले आए उसके बाद आप सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और आपके पास एक्स टू आ जाएगा अगर इसी को छोटे लेवल पर सोचे तो x टू n बाई टू अगर कैलकुलेट करना है तो आप हमें x टू n बाय फोर दे दी दीजिए अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इस तरीके से अगर हम x टू n कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उस केस में हमारी स्टैक हाइट कितनी होगी अब हमें पता है कि हर जो ऑपरेशन होने वाला है वो एक लेवल पर होने वाला है तो ये हमारे स्टैक का एक लेवल है ये हमारे स्टैक का एक लेवल है ये हमारे स्टैक का एक लेवल है ये हमारे स्टैक का एक लेवल है, है इतना हमें पता है तो हमारा स्टैक का लेवल है वो कब तक नीचे जाएगा जब तक हम इस एन की पावर को जनरलाइज कर लेते हैं इस पावर को जनरलाइज करें तो ये हो रही है टू टू दी पावर समथिंग एन डिवाइडेड बाई टू टू पावर थी एन डिवाइडेड बाय टू टू दीरो उसके बाद थी एन डिवाइडेड बाई टू टू दी पार वन हम सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं एक्स की बात नहीं कर रहे एन डिवाइडेड बाई टू टू ये वाली पावर है हमारी एन डिवाइडेड बाई टू टू दू ये पावर है एन डिवाइडेड बाई टू टू सिमिलरली एन डिवाइडेड बाई टू टू दावर होगी है ना और ये जो स्टैक का हाइट है ये कब तक नीचे जाएगा जब तक हमारी जो ये पूरी वैल्यू है वो एन डिवाइडेड बाय एन नहीं हो जाती यानी वन नहीं हो जाती क्योंकि हमने पहले वाले अगर हम एग्जांपल्स देखे तो उसमें हम एक्स टू दि पार वन तक गए थे और एन डिवाइडेड बाई टू टू दार समथिंग इज इक्वल टू वन जब भी हो जाएगा तब हमारे स्टैक की हाइट खत्म हो जाएगी तो इस केस में हमें ये चीज़ निकालनी है कि ये पावर क्या होने वाली है टू की जब हमारे स्टैक के लेवल्स हैं वो खत्म हो जाए अब ये जो पैरामीटर है इसको हम अल्फा नाम दे देते हैं क्योंकि ये कोई अल्फा पैरामीटर है अब इस पहले लेवल पर हमारे जो स्टैक की हाइट है वो है अल्फा के बराबर यानी जीरो के बराबर ध्यान से देखें तो यहाँ पर टू की पावर है जीरो और जीरो ही है हमारा अल्फा। यहाँ पर स्टैक की हाइट जो है वो जीरो इसलिए है क्योंकि अभी स्टैक बनना फॉर्म हुआ ही नहीं है अभी कुछ है ही नहीं स्टैक में हम इस तरीके से सोच कर चल रहे हैं उसके बाद जब हम एक लेवल नीचे जाएंगे मतलब हमने स्टैक में एक लेवल एड कर दिया तो यहां पर स्टैक की हाइट होगी एल्फा इज इक्वल टू वन के इक्वल और हमारे टू की पावर भी क्या है अल्फा यहां पर स्टैक की हाइट होगी अल्फा के इक्वल यानी टू के इक्वल यहां पर स्टैक की हाइट होगी अल्फा के इक्वल यानी थ्री के इक्वल तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जो स्टैक की टोटल हाइट होगी वो हमारी अल्फा की फाइनल वैल्यू के बराबर होगी और अल्फा की फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम वो निकालेंगे इस फॉर्मूला से कैसे हमें पता है एन डिवाइडेड बाई टू टू दार एल्फा इज इक्वल टू वन यानी एन इज इक्वल टू 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 दी एल्फा यानी लॉग बेस टू एन इज इक्वल टू एल्फा तो ये थोड़ा सा मैथ्स होगा ये सिमिलर मैथ्स हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं लेकिन ये मैथ्स करना अभी यहां पर जरूरी है इस मैथ्स को करके हम समझ सकते हैं कि हमारी जो हाइट है हमारे स्टैक की लेवल वाइज, वो होने वाली है अल्फा, यानी लॉग बेस टू एन के इक्वल और क्वेश्चन में क्या गिवन था क्वेश्चन में हमें निकालनी थी एक्स टू दि एन जिसमें स्टैक हाइट हो जिस प्रोसेस में लॉग इन के इक्वल तो एक तरीके से क्वेश्चन को भी लॉग इन हाइट चाहिए थी और हमने जो ये नया तरीका डिवाइस किया एक्स टू दीप एन निकालने का ये हमने जो अपनी ट्रिक लगाई है इससे भी हमारी जो स्टैक हाइट निकल रही है वो निकल रही है लॉग इन अब इसका हम कोड लिखकर देखेंगे कोड बहुत ही सिंपल होने वाला है कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली बहुत सिंपल कोड लिखकर आपको पता चलेगा कि कैसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स को रिकर्जन दो तीन लाइन के बहुत ही सिंपल कोड में कन्वर्ट कर देता है इस पूरी की पूरी लंबी टेक्निक को हम छोटे से रिकर्जन के कोड में अब कन्वर्ट करेंगे कोड के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे अपना जो कैलकुलेट पावर फंक्शन है उसे सेम रखेंगे उसमें कुछ हम मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं बेस केसेस हम सेम रखेंगे उसके बाद सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमारा एन जो है वो अगर इवन है इफ एन इज इवन यानी इफ एन मॉड्यूलो टू इक्वल इक्वल जीरो तो इस केस में हम कैलकुलेट पावर कॉल करेंगे फॉर एक्स और इस बार पावर क्या पास करेंगे वो पास करेंगे एन बाई टू एंड इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेट पावर x एंड n बाई टू से And यहां पर ये यह जो पूरा का पूरा एक्स टू तो दी पार एन बाई टू इन टू तो एक्स टू तो दी पार एन बाई टू हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा इसे हम कर देंगे अपने फंक्शन से रिटर्न अब इसका दूसरा केस ये होगा कि अगर हमारा जो एन है एन इज ऑड तो एन इज ऑड वाले केस में क्या होगा हम रिटर्न कर रहे होंगे कैलकुलेट पावर एक्स टू दिन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कैलकुलेट पावर x टू दी पार n बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्योंकि हमने अभी देखा था कि ऑड जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं ऑड का जब हमने वो ट्री वाला फॉर्मेशन बनाया था तो उसमें ऑड नंबर्स के लिए हमें x को अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था सेम लेवल पे तो ये जो चीज हम कर रहे हैं ये हम सेम लेवल पर कर रहे हैं एंड हमारे बेस केसेस सेम रहेंगे और यहां पर हम सेव करके इसे कर देंगे run. अपने आउटपुट को देखें तो आउटपुट हमारा दोबारा आया है थर्टी टू क्योंकि इस बार डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब हमने दो कॉल्स एक साथ लगाए और एक्स टू दी पार एन बाई टू कैलकुलेट कर लिया और उसको मल्टीप्लाई करके हमने एक्स टू दी पार एन कैलकुलेट कर लिया तो वहां पर हमारी बस स्टैक की हाइट लॉग इन हो गई हमारा बाकी का बाकी सारा प्रोसेस सेम रहा बस स्टैक की हाइट हमने लॉग इन कर ली इस ट्रिक को यूज करके हमने पूरी कोशिश की है कि रिकार्जन के बेसिक्स आपके लिए क्लियर हो जाएं एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस के साथ हम उन चीजों को प्रैक्टिस कर पाए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग